दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। हमारे सामने यहाँ पर जो विंडोज दिख रही है, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडोज कहलाती है, जिसके सभी भागों के बारे में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पर पहले इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के हमारे पास यहाँ पर कई सारे तरीके हैं, यहाँ पर उनमें से हम कुछ को जानेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देती है, जिसमें हमें वह सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखाई देते हैं जो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर इंस्टॉल है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर दिखाई देता है। हम इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देने लगती है। तो इसमें हमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर मिल जाता है। इस पर क्लिक करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। इसके बाद हम वापस से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का एक तरीका यह भी है कि हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर सर्च बार में आकर और यहाँ पर हम वर्ड को टाइप करते हैं। तो वर्ड को टाइप करने पर हमें यहाँ पर इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहीं भी होगा तो वह इस लिस्ट में हमें दिखाई दे जाएगा, जिस पर क्लिक करके हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का एक तरीका और भी है। इसके लिए हम यहाँ पर विंडो के साथ आर की को प्रेस करते हैं। विंडो के साथ आर की को प्रेस करने पर यहाँ पर हमारे सामने रन ऑप्शन खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर हम विन वर्ड को टाइप करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। इसके अलावा भी हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की बनाकर भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी भागों को जानेंगे, यहाँ पर इसके किस भाग को या किस पार्ट्स को यहाँ पर क्या कहा जाता है और यहाँ पर किसका क्या यूज है। तो यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ऊपर टाइटल बार मिलता है और टाइटल बार के सेंटर में हमें हमारी फाइल का नेम लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे अभी हमें यहाँ पर हमारी फाइल का नेम डॉक्यूमेंट वन के नाम से दिखाई दे रहा है। इसके ठीक आगे हमें यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है कि हमारा सॉफ्टवेयर का नेम जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है। टाइटल बार के राइट कॉर्नर पर हमें यहाँ पर विंडोज कंट्रोल बटन से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर का जो बटन हमें दिखाई दे रहा है इसे यहाँ पर मिनिमाइज कहते हैं। इस पर क्लिक करने पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है हमारे टास्क बार पर चली जाती है और फिर से इस पर क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का बटन आता है, इसे हम यहाँ पर रिस्टोर बटन कहते हैं या हम इसे मैक्सिमाइज भी कहते हैं। इस पर क्लिक करने पर हमारी जो विंडो की साइज छोटी हो जाती है और उसे हम उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं और हम इसके साइज को यहाँ पर किसी भी कॉर्नर पर जाकर हमारे हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं और फिर से हम इसी बटन पर क्लिक करके हम इसकी विंडो को यहाँ पर फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है हमारे क्लोज बटन। इस पर क्लिक करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पर हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसे यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। यहाँ पर हम उन बटन्स को रखते हैं जिनका यूज हमें बार बार होता है। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके हम यहाँ पर इनमें किसी भी ऑप्शन को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट में आप देखिए जिस पर भी हमें यहाँ पर चेक दिख रहा है वे सभी ऑप्शन हमें यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा अगर हम इस लिस्ट में से किसी और को भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो हम उस पर जैसे ही चेक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखिए ओपन पर क्लिक करते हैं तो वह भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। और अगर हम यहाँ से किसी को हटाना चाहते हैं तो हम जैसे उसे अनचेक करते हैं वह यहाँ से हट जाता है। इन ऑप्शंस के अलावा यदि हमें किसी और ऑप्शंस की यहाँ पर आवश्यकता लगती है तो यहाँ पर हम नीचे मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे। मोर कमांड्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर वर्ड के यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उन सभी के यहाँ पर हमें एक लिस्ट दिखाई देने लगती है। इनमें से हम जिस भी ऑप्शन को उस लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं उसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर फाइंड के ऑप्शन को जोड़ लेते हैं, तो फाइंड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो फाइंड ऑप्शन हमारी इस लिस्ट में यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइंड हमारे सामने आ चुका है। और अगर हमें इसे फिर से यहाँ से हटाना है तो हम फिर से इस बटन पर क्लिक करेंगे,
हम यहाँ पर मोर कमांड्स पर जाएंगे और हम यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रिमूव पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ से किसी भी ऑप्शन को इस लिस्ट में यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और इसके बाद हम इस लिस्ट से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमें यहाँ पर एक टेप का ऑप्शन दिखाई देता है, इसे यहाँ पर रिबन टेप कहा जाता है। जैसे अभी यहाँ पर होम टेप ओपन है, हमें इसके नीचे जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं इसे यहाँ पर रिबन कहा जाता है और इसमें हमें यहाँ पर होम टेप से रिलेटेड सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर इसे भी कई सेक्शंस में बांटा गया है, जैसे इसका पहला सेक्शन यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है। ऐसे यहाँ पर होम टेप भी कई सेक्शंस में बटी हुई है। हम यहाँ पर जिस भी टेप पर क्लिक करते हैं तो उस टेप से रिलेटेड ऑप्शंस हमारे सामने नीचे ओपन हो जाते हैं। हम एमएस वर्ड में जिस एरिया में वर्क करते हैं उसे यहाँ पर पेज कहते हैं। तो आपको यहाँ सेंटर में व्हाइट कलर का एक पेज दिखाई दे रहा है और इसी पेज पर हम हमारा पूरा वर्क करते हैं। इसे यहाँ पर इसका टेक्स्ट एरिया या इसका वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। यहाँ पर पेज के जस्ट ऊपर हमें एक पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसे रूलर कहा जाता है। और एमएस वर्ड में हमें यहाँ पर दो रूलर मिलती है, एक हमें इस साइड में मिलती है और एक हमें यहाँ पर खड़ी मिलती है। तो जो खड़ी वाली रूलर है इसको यहाँ पर वर्टिकल रूलर कहा जाता है और यहाँ पर ऊपर जो हमें रूलर दिख रही है इसे हॉरिजेंटल रूलर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि रूलर पर यहाँ पर जितना एरिया हमें यहाँ पर व्हाइट दिखाई दे रहा है हम केवल उतने ही एरिया में वर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर दोनों साइड में जो एरिया हमें यहाँ पर थोड़ा ब्लू दिखाई दे रहा है उस पर हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारी पेज की मार्जिन है। हम यहाँ नीचे जैसे ही पेज पर आते हैं यहाँ पर आपको एक लाइन ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रही है, इसे यहाँ पर कर्सर कहते हैं। और हमारे पेज में जहाँ पर भी कर्सर होता है हम वहीं पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारा कर्सर जितना एरिया यहाँ पर छुटा हुआ है वहाँ पर नहीं लाया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि जितना एरिया यहाँ पर छुटा हुआ है वहाँ पर क्लिक करने पर कर्सर नहीं आता है, कर्सर केवल उसी एरिया में आता है जो हमारे यहाँ पर व्हाइट एरिया दिख रहा है। अगर हम हमारे पेज की मार्जिन को कम ज़्यादा करना चाहें तो हम यहाँ पर इसे खिसका कर और इसकी मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद पेज के राइट साइड में यहाँ पर ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसे यहाँ पर स्क्रॉल बार कहा जाता है। यहाँ पर जैसे हमारे पास दो रूलर होते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारे पास दो स्क्रॉल बार भी होते हैं। जब हम यहाँ पर पेज को थोड़ा जूम कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों स्क्रॉल बार यहाँ पर दिखाई देने लगे। यहाँ पर स्क्रॉल बार का यूज पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए होता है। हम इसे यहाँ पर पकड़कर पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, या फिर हम यदि पेज को धीरे धीरे ऊपर नीचे करना चाहें तो यहाँ पर हम इन बटन्स पर क्लिक करके भी पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेज को वर्टिकल या हॉरिजेंटल स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार का यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद हमें नीचे यहाँ पर स्टेटस बार दिखाई देता है, इसे यहाँ पर स्टेटस बार कहते हैं। तो स्टेटस बार को यहाँ पर समझने के लिए पहले हम यहाँ पर कुछ मैटर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए हमें यदि कभी मैटर की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर इसके लिए कमांड होती है और वह कमांड है इक्वल RANDऔर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस कमांड को लिखने के बाद हम यहाँ पर जैसे ही इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए आ जाते हैं। इस पैराग्राफ का यूज करके हम वर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नीचे स्टेटस बार पर आ जाते हैं। स्टेटस बार के लेफ्ट कॉर्नर पर हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो पेज दिखाई दे रहा है जिसमें से अभी हम यहाँ पर पहले पेज पर हैं। हम जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमें यह बताता है कि हमारे इस पेज पर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। इस पर डबल क्लिक करने पर हमें यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दो पेजेस हैं और हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वह यहाँ पर 268 है, जो बिना स्पेस के जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं या उनकी संख्या 1318 है, और जो स्पेस के साथ लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं वे यहाँ पर 1581 है। यहाँ पर हमारे सामने पांच पैराग्राफ है और यहाँ पर 30 लाइंस है। तो इससे हमें हमारे पेज की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर डबल क्लिक करके हम यहाँ पर इसकी लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। अब स्टेटस बार के राइट कॉर्नर पर हमें यहाँ पर व्यू बटन मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बटन होता है वह यहाँ पर प्रिंट लेआउट होता है जो अभी ओपन है, जिसमें हमें हमारा पेज जैसे प्रिंट में आएगा ठीक उसी तरह से यहाँ पे दिखाई देता है।
जैसे अगला वाला बटन हमें यहाँ पर फुल स्क्रीन मिलता है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा पेज यहाँ पर फुल स्क्रीन हो जाता है। और हमें फुल स्क्रीन से बाहर आना हो तो हम यहाँ पर एस्केप की का यूज करके फिर से हम बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही अगला बटन हमें यहाँ पर वेब लेआउट मिलता है, हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वह एक वेब पेज की तरह दिखाई देने लगता है। ऐसे ही हमें यहाँ पर इसके आगे आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये भी इसके अलग अलग व्यू बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके ठीक आगे हमें यहाँ पर इसका जो जूम टूल्स मिल जाता है, हम इससे हमारे पेज को यहाँ पर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके और इसे ड्रैग करके पेज के जूम को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेज को मिनिमम 10% तक जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम हम इसको 500 तक जूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम माइनस और प्लस पर क्लिक करके भी और इसे हमारे हिसाब से इसकी जूमिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो का छोटा सा परिचय। हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम इसकी सभी टिप्स को यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी और भी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।